नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम भारत में तेजी से फैल रही नई महामारियों जैसे कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि इन खतरनाक और जानलेवा बीमारियों से कौन सा डॉक्टर हमें छुटकारा दिलवा सकता है। दोस्तों, कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए भारत के वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, मेडिकल सामग्री उत्पादकों, कोरोना वॉरियर्स आदि का योगदान अतुलनीय है। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की दिन रात की कड़ी मेहनत और भारतीयों द्वारा लॉकडाउन का पालन करने से कुछ हद तक स्थिति कंट्रोल में आई है, परंतु अभी तक देश इस महामारी से पूरी तरह से निजात नहीं पा सका है। कोरोना काल की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस नाम की खतरनाक बीमारियां मनुष्य के शरीर पर बहुत तेजी से हमला कर रही हैं, जो कि जान के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण होने वाली मृत्यु दर 10% है, यानी कि यदि कोई इस बीमारी से ग्रस्त होता भी है तो 90% चांस होगा कि उनकी जान नहीं जाएगी, किंतु ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों का डेथ रेट 50% है, जो इसे कोरोना से 5 गुना ज्यादा खतरनाक बनाता है। देश में ब्लैक फंगस बीमारी के अब तक कुल 11,717 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें गुजरात में सबसे अधिक 2,859 केस हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 2,770 केस हो चुके हैं। आइए अब हम आपको ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकर माइकोसिस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये कोई नई बीमारी नहीं है, क्योंकि इस तरह का फंगल इन्फेक्शन पहले भी लोगों में पाया गया है। ये बीमारी मुकोलेरिस नामक एक फंगस परिवार से फैलती है। इस प्रकार की फंगस लगभग हर जगह पाई जाती है, मिट्टी, हवा, सड़े हुए फल, फूल, सब्जी आदि में या किसी नमी वाली जगह पर इस फंगस का पाया जाना एक आम बात है। इस बीमारी को ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बीमारी आमतौर पर नॉर्मल कंडीशन के लोगों को नहीं होती, बल्कि उन्हीं को होती है जिनका इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति किसी अन्य बीमारी के चलते या किसी अन्य कारण से मंद पड़ गई हो। कोरोना की दूसरी लहर में इस बीमारी के सैकड़ों केस पाए जाने के पीछे यही कारण है कि लोगों को कोरोना होने के बाद उनके शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। कोरोना की पहली लहर में भी इसी बीमारी के कई केस देखे गए थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। इसका कारण ये है कि दूसरी लहर के मुकाबले पहली लहर इतनी घातक और जानलेवा नहीं थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के इस दौरान में ब्लैक फंगस के संक्रमण आने के कुछ दिनों बाद व्हाइट फंगस सामने आया और फिर कुछ इलाकों से येलो फंगस फैलने की भी खबरें आईं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि कोरोना की ही तरह अब देश में ब्लैक फंगस की दवाइयों की भी कमी आ रही है। उस पर मुश्किल ये है कि यदि संक्रमित व्यक्ति को अगर टाइम पर सही इलाज नहीं मिला तो फिर उसकी जान तक जा सकती है। खास तौर पर वो मरीज जिनकी डायबिटीज बहुत ज्यादा है या फिर जो कैंसर के मरीज हैं, उनको ये फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्द इन्फेक्ट कर देता है। कोरोना मरीजों को ये बीमारी इतना परेशान इसलिए करती है क्योंकि कोरोना होने के बाद इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर हो जाती है। इसके साथ ही कोरोना के मरीज को स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसके साथ ही अगर शुगर भी कंट्रोल में नहीं आया तो फिर ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ सकता है। इनके शुरुआती लक्षणों में कई मरीज जो कोरोना से ठीक हुए हैं और उसके बाद उनको अचानक सिरदर्द होता है, आंखों के पास या आंखों के पीछे की तरफ दर्द होता है, या फिर नाक बंद हो जाती है, नाक से खून आने लगना, काले रंग का पानी आने लगता है, चेहरे पर सूजन आना, पलके गिरना, ऐसा कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लक्षण म्यूकर माइकोसिस के शुरुआती लक्षण माने गए हैं। अब आते हैं व्हाइट फंगस पर। यदि हम व्हाइट फंगस की बात करें तो ये बीमारी ब्लैक फंगस से अलग तरह की बीमारी है। इसका असली नाम कैंडिडियासिस है। इस तरह का फंगस ज्यादातर आईसीयू में दाखिल मरीजों में पाया जाता है। आईसीयू के मरीजों को जरूरत के मुताबिक कई दिनों तक एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती हैं। ऐसे में एंटीबायोटिक के साथ यह फंगल इन्फेक्शन भी फैल जाता है। व्हाइट फंगस सीधे फेफड़ों पर असर करता है। यह पहले फेफड़ों को संक्रमित करता है और फिर दूसरे अंगों को प्रभावित करता है। इन दूसरे अंगों में नाखून, किडनी, पेट, दिमाग और मुंह के अंदर इसका असर हो सकता है। और अब बात करते हैं येलो फंगस की। हाल ही में यूपी के गाजियाबाद में येलो फंगस बीमारी का एक मरीज पाया गया है।
ये बीमारी भारत में पहली बार पाई गई है। इस बीमारी को म्यूकर स्पेक्टिक्स कहा जाता है। इस बीमारी को ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी खतरनाक माना जा सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो आलस आना, तेजी से वजन गिरना, भूख ना लगना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, आँखों में धुंधलापन छा जाना, धसी हुई आँखें होना या आँखों के नीचे गड्ढे देखना आदि है। लेकिन इसके अलावा आँख में पस जम जाना इसके गंभीर लक्षणों में शामिल है। इसके साथ ही येलो फंगस शरीर के घाव को भरने नहीं देता है। शरीर में मवाद के रिसाव के कारण यह संक्रमण बनता है। जैसे जैसे ये शरीर के अंदर बढ़ता है वैसे वैसे घातक रूप ले लेता है। ये इस बीमारी को एक गंभीर बीमारी बनाता है। फिलहाल ब्लैक, व्हाइट और येलो इन तीनों फंगल बीमारियों से बचने के लिए आपको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों को आहार में शामिल करना चाहिए तथा सभी को सद्भक्ति भी करनी चाहिए ताकि बीमारी की मार से शरीर हमेशा बच सके। कोरोना काल में पैदा हो रही स्वास्थ्य संबंधी सभी तरह की समस्याओं और ऐसी जानलेवा महामारी का पक्का इलाज तो केवल सच्चे वैद्य के पास ही हो सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें बताता है कि एक सच्चा सद्गुरु ही सच्चा वैद्य यानी कि डॉक्टर होता है जो सभी बीमारियों से निजात दिला सकता है। वर्तमान समय में जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही एक सच्चे सद्गुरु हैं जिन्होंने सद्भक्ति रूपी वैक्सीन देकर लाखों करोड़ों अनुयायियों को कैंसर, एड्स, टीबी आदि लाइलाज बीमारियों से निजात दिलाया है। संत रामपाल जी महाराज जी गुरु मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाले साधक की आयु बढ़ाने तथा मोक्ष प्रदान करने का 100% वादा करते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और जल्दी से जल्दी और शीघ्र अतिशीघ्र अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।